जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर, पुलवामा में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली और इसके बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के बामलू में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन में सीआरपीएफ की 183 बटालियन 44 RR और SOG पुलवामा की टीम जुटी हुई है। तो आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन ये चलाया जा रहा है। सीआरपीएफ एसओजी की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। 24 घंटे में गोलीबारी की 3 घटनाएं सामने आई। उसके बाद ये आशंका वहां पर जाहिर की गई कि आतंकियों की एक बड़ी संख्या है और उसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि अभी सफलता नहीं मिली है, लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सफलता मिल जाएगी। यहां पर सीआरपीएफ के जवानों को 24 घंटे में गोलीबारी की 3 घटनाएं हो गई हैं। उसके बाद अलर्ट पर है सेना के जवान। सर्च ऑपरेशन इलाके में चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ये गोलीबारी हुई, 3 बार हुई गोलीबारी 24 घंटे के भीतर। उसके बाद सर्च ऑपरेशन यहां पर संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है।